नमस्कार। एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एक थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। उसका हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। सो स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज Let P of x be irreducible polynomial in ring polynomial over field F and U be a root of P of x in an extension E of F. देखो F, P of F जो है P of x जो है वो irreducible है। It means that इस P of x का कोई भी root F में नहीं होगा। सो वी नीड एक्सटेंशन, तो E इज एक्सटेंशन ऑफ F और उसमें मान लिया हमने इसका एक रूट U। सो इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि देयर विल बी अ सब फील्ड F ऑफ U ऑफ E, एक्सटेंशन ऑफ E, एक्सटेंशन ऑफ E की एक आपकी सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी F ऑफ U and this f of u will be like this and it is v naught plus b1 u plus so and so bm u raised to power m belongs to e and where this polynomial v naught plus b1 x plus so and so bm x raised to power m belongs to ring polynomial over field F. Okay, so ये जो आपका F of U है, हमने last lecture में discuss करा, it is generated by U and F, U and F. So one more thing, this F of U जो है वो एक vector space भी होता है और इस vector space का जो basis होगा उसमें कितने element होंगे is depending upon the degree of P of x. P of x की degree अगर n है तो वहां पे एक basis exist करेगा और उसमें element होंगे 1, u, u raised to power 2 plus so and so u raised to power n minus 1. So these are the n elements and this set forms a basis for this F U over F. Basis का मतलब क्या होता है कि कोई भी element अगर हम F of U से लेंगे, so that can be written in the linear combination of these n elements. कोई भी अगर हम कोई element यहाँ से लेंगे, so वो इस form में लिखा जाएगा. अब ये जो आपका basis के element है, 1 है, U square, ये तो change नहीं होंगे. Only change होंगे coefficients. और कोएफिशिएंट आएंगे फील्ड एफ से और डिग्री ऑफ दिस एफ ऑफ यू सब फील्ड ओवर एफ कैन बी राइट लाइक दिस इज इक्वल टू एन बिकॉज इसके बेसिस में एन एलिमेंट्स. तो इसका प्रूफ हमने लास्ट डिस्कस करा था. सेम मैं अब स्टाफ को बता देता हूँ कैसे हमने क्या करा था. सो ये इसका प्रूफ ही है कंस्ट्रक्शन ऑफ सब फील्ड. तो यू कैन गो थ्रू दिस. So this is the proof of this theorem. So now we come to one more corollary of this. Agar dekho F hamari ek field hai aur P of X ek aapke paas irreducible polynomial hai in a ring polynomial over field F. Aur ye irreducible hai. तो जरूरी नहीं है कि उसकी एक ही एक्सटेंशन होगी, है ना. अलग अलग एक्सटेंशन भी हो सकती है. अगर हम मान लेते हैं यू इज जीरो इन सम एक्सटेंशन, इसका एक जीरो जो है पी ऑफ एक्स का वो एक्सटेंशन ई में है एंड दूसरा जीरो जो है वो दूसरा जीरो वी मान लिया वो दूसरी एक्सटेंशन में है ई डैश. तो हमारे पास जो ये सब फील्ड्स बनेंगी F of U and F of B, they will be isomorphic. ठीक,
गॉट माई पॉइंट? क्या मैंने बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पी ऑफ एक्स के जो रूट हैं वो सारे नहीं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे रूट जो वो एक ही एक्सटेंशन में आए। किसी एक रूट की बात करें, अगर इसका एक रूट आपका एक्सटेंशन ई ई में लाइव बिलोंग कर रहा है और दूसरा जो इसका रूट है, हो सकता है इसके रूट 3, 4, 5, वो डिपेंडिंग अपॉन डिग्री कितनी, तो हम दो रूट की बात कर रहे हैं कि अगर इसके कोई दो रूट हैं, एक ई में है और एक आपका, शर्त यह कि इसकी डिग्री 2 से 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, दो रूट हो सकते हैं, तो दूसरा जो रूट है वो दूसरी एक्सटेंशन में। तो बोल हम ये रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो जो सब फील्ड जनरेट होंगी एफ एन यू से और एफ और अवी से जो जनरेट होंगी वो आपस में आइसोमॉर्फिक होगी। ठीक, और इसका प्रूफ वेरी सिंपल है, पीछे हमने पढ़ रखा है ये कि अगर वहाँ पे एक आपका एफ ऑफ यू सब फील्ड बनेगी एंड दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू फैक्टर रिंग एफ यू ओवर मैक्सिमम आइडल पी ऑफ एक्स एंड दैट, ये भी इसके कनगुर आइसोमॉर्फिक होगा और ये भी इसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो डेफिनेटली ये दोनों भी आइसोमॉर्फिक होंगे। सो नेक्स्ट कम टू द एग्जांपल्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ थ्योरम। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, उनको एक्स रेज टू पावर 6-2 ओवर क्यू, और डेफिनेटली इट इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, इसका कोई भी रूट एग्जिस्ट इसमें क्यू में नहीं अलाई करेगा, डेफिनेटली इसका रूट है आपके पास 6th root of 2, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, बट ये जो 6th root of 2 है वो डेफिनेटली क्यू में नहीं है, तो वी नीड ए एक्सटेंशन। ओके, तो ऊपर वाली थ्योरम से हमें ये, अगर ये हमारा यू हो गया, इफ इट इज यू, तो ये जो सेट बनेगा 1 u u square u cube सो एंड सो अप टू u raised to power 5 भाई, बिकॉज इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो कितना है, 6 है, डिग्री 6 है, दैट्स वाई इसका मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 6-1 5 तक जाएगा। सो दिस ये बेसिस बन गया। ठीक, फॉर व्हाट, फॉर दिस क्यू ऑफ यू, ये जो आपका सब फील्ड बना ओवर क्यू, उसका बेसिस होगा। इट मीन दैट इस सब फील्ड क्यू ऑफ 6 root of 2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे। ठीक, ए नॉट प्लस ए वन 2 raised to 6, ए टू 2 raised to power 2/6, प्लस ए थ्री 2 raised to power 3/6, प्लस लाइक दिस दिस। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये इसका एक रूट है, ये रूट है, तो ये रूट कैसे होगा, इसमें कब लाई करेगा, डेफिनेटली ए नॉट भी जीरो होना चाहिए, ए टू भी जीरो होगा, ए थ्री भी जीरो होगा, ए फोर भी जीरो होगा, फाइव भी जीरो होगा, और ये हमारे पास इसका रूट आ जाएगा और ए वन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक, सो दीज ऑल द कोएफिशिएंट्स बिलोंग्स टू एफ, और डेफिनेटली ये जो आपकी सब फील्ड बनी है इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू फैक्टर रिंग क्यू ऑफ एक्स ओवर एक्स रेस्ट टू पावर 6-2 से जो मैक्सिमम आइडल जनरेट होगा दोनों के बीच में। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री 6 आ गई है ना, डिग्री ऑफ दिस फील्ड 6th root of 2 ओवर क्यू, जब इसकी डिग्री बात करें तो 6 आएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, इस फील्ड में अगर हम, अगर यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस यू भी सेटिस्फाई करेगा, व्हाट यू से। ठीक है, क्योंकि एक्स रेस टू पावर 6-2 है, अगर यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यू नथिंग बट इट इज 6th root of 2, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा u raised to power 6 = 0। अगर u इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस यू भी इसको सेटिस्फाई करेगा, व्हाट यू से।
माइनस यू भी अगर हम पुट करेंगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पावर जो है वो क्या है, इवन है, इवन पावर है, तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा। इट मीन दैट इस फील्ड के पास कितने रूट है, इस फील्ड के पास इस पॉलिनोमियल के दो जीरो प्रेजेंट है, एक यू और एक माइनस यू, मीन्स एक सिक्स रूट ऑफ टू भी आएगा और एक माइनस सिक्स रूट ऑफ टू भी आएगा। और डेफिनेटली अगर ढूंढना हो कैसे आएगा तो यू कैन सी फ्रॉम हियर, जब हम बाकी सारे कॉफिशंट्स को जीरो पुट कर दें एक्सेप्ट ए वन, ए वन को वन पुट करें तो हमारे पास यू आ जाएगा, और बाकी अगर हम ए वन की वैल्यू माइनस वन पुट करें और बाकी को जीरो पुट करें तो सेकेंड रूट आ जाएगा। सो मीन टू से दैट दिस सब फील्ड कंटेन्स टू जीरो ऑन दिस। तो स्टूडेंट ये आपकी जो फील्ड है और ये जो नई फील्ड हमने जनरेट करी, ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक, ओके। फॉर अनदर एग्जांपल यू कैन सी, अगर हम देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर रिंग पॉलीनोमियल ओवर आर, तो डेफिनेटली सभी को पता है कि यहाँ पे दिस इज इररिड्यूसिबल, इसका फैक्टर रियल में नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली हमें एक एक्सटेंशन चाहिए होगी। आर के लिए हम एक एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे, एंड एक्सटेंशन विल बी दैट विच कंटेन द रूट ऑफ दिस। तो मैंने मान लिया कि यू यू इज द रूट ऑफ दिस इन सम एक्सटेंशन के ऑफ आर, ऑफ आर, देन जो फील्ड बनेगी वो बनेगी आर ऑफ यू, और उसके अंदर दो ही क्योंकि इसके बेसिस में दो एलिमेंट होंगे एक वन और एक यू, तो डेफिनेटली यहाँ पे ए प्लस बी यू, और ए और बी आर रियल नंबर में आएगी, कंटेन्स ऑल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें इसके दोनों रूट आ जाएंगे, क्योंकि अगर यू इसको सेटिस्फाई करेगा तो यू स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो आएगा, और माइनस यू पुट करेंगे तब भी वो सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स दैट इट कंटेन्स बोथ, क्योंकि डिग्री टू है तो दो ही रूट्स होंगे इसके, तो दोनों के दोनों रूट आर ऑफ यू में कंटेन्स होंगे, और साथ में आर ऑफ यू पता है आपको वेक्टर स्पेस भी होगा, और इसके बेसिस में ये दो एलिमेंट होंगे, और डिग्री ऑफ आर ऑफ यू दिस इज इक्वल टू टू। ठीक, दूसरी चीज अगर थोड़ा सा हम इंसाइट करें तो आई थिंक दिस यू विल बी नथिंग बट इज आयोटा, यू आयोटा ही होगा, व्हाट इज आयोटा ही सेटिस्फाई करेगा, माइनस वन का स्क्वायर रूट ही इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो आर ऑफ यू है इस इज नथिंग बट इट इज फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दैट इज डिनोटेड बाय सी, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, तो इट मीन दैट ये आर आयोटा को हम सी बोलते हैं। ठीक, दिस इज न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, और सभी को पता, देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में एलिमेंट होते हैं वो इस तरह से होते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा एंड दिस, तो ये भी यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि सी का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बेसिस में दो एलिमेंट होते हैं, एक वन और एक आयोटा। Got it. So this is the example. So one more example. That p of x x square minus one minus x minus one equal belongs to ring polynomial over Z3 is reducible over Z3, and show that there exists an extension of K of Z3 with nine elements having all the roots of this. तो थोड़ा सा मैं इसको जल्दी से बताऊंगा, अगर भाई वीडियो लंबा हो जाएगा तो, देखिए तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों को अगर हम पुट करेंगे तो ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको जीरो नहीं आ रहा है, इट मीन दैट पी ऑफ एक्स हैज नो जीरो, हैव नो जीरो इन Z3, सो पी ऑफ एक्स रिड्यूसिबल हो गया, तो ये तो आप तो पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ तक प्रूव हो गया। अब दूसरा मैंने मान लिया कि यू इज द रूट ऑफ दिस, Z3 में है नहीं, तो एक नया रूट एग्जिस्ट करेगा एक्सटेंशन, तो Z3 की एक्सटेंशन K ले ली और वो U इसको सेटिस्फाई करेगा,
सो के में किस तरह के एलिमेंट होंगे, ए प्लस बी यू, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड डिग्री है, तो डेफिनेटली जो उसके बेसिस बनेगा वो वन और यू आएगा, सो दैट्स व्हाई, एंड साथ में ये सेटिस्फाई करेगा इसको। और नाइन एलिमेंट्स ऑब्वियस है, ए और बी, आपका जेड थ्री से आएंगे तो जेड थ्री में तीन एलिमेंट है, तो ए के लिए तीन पॉसिबिलिटी, बी के लिए तीन, तो टोटल नाइन एलिमेंट्स बनेंगे, तो ये दीज आर द नाइन एलिमेंट्स, ठीक। और डेफिनेटली अगर यहाँ देखा जाए, अगर यू इसको सेटिस्फाई करेगा तो आप देखो यहाँ पे यू प्रेजेंट है, ठीक। सो दीज आर द नाइन्स एलिमेंट्स, और अगर इसको डिग्री ऐसे लिखना हो तो यू कैन राइट के, और ओवर जेड थ्री है, सो डेफिनेटली टू, डिग्री की बात आएगी, डायमेंशन की बात आएगी, ठीक। तो डायमेंशन बेसिस में दो एलिमेंट तो दो ही आएगा, जबकि इस फील्ड के अंदर एलिमेंट जो है वो नौ है, गॉट इट? ओके, वन मोर एग्जांपल। अब इसको हमने रिड्यूसिबल प्रूव करना है, तो रिड्यूसिबल तो आपको पता ही है कैसे चेक करना है। क्यू के ऊपर कोई जीरो नहीं है इसका, क्योंकि इसको क्यूब रूट ऑफ टू सेटिस्फाई करेगा, तो क्यूब रूट नॉट बिलोंग्स टू क्यू, सो दैट्स व्हाई इट इज इरिड्यूसिबल। और ये इसका जीरो है, और अगर ये यू है तो डेफिनेटली डिग्री थ्री है, तो इसके जो बेसिस में एलिमेंट आएंगे वो यू आए, और वन यू और यू स्केयर आए, सो इस तरह से लिखा जाएगा, और ए बी सी आपके क्यू को बिलोंग करेगा, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ठीक। और इसके बेसिस में एलिमेंट होंगे और डायमेंशन इसके तीन आएंगे, ठीक। वन मोर एग्जाम्पल, x रेस टू पावर 4 माइनस टू, तो इसका हमने रिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है, तो इट इज क्लियर फोर्थ रूट ऑफ 2 आपका रूट होगा वो क्यू में प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो u मान लिया हमने फोर्थ रूट ऑफ दिस, तो दैट विल बी एक्सटेंशन, वी नीड एक्सटेंशन, एग्जिस्ट करेगी, और वो एक्सटेंशन हमने k मान लिया, एंड k लाइक दिस, तो डेफिनेटली पावर 4 है, तो इसमें जो बेसिस में एलिमेंट आएगी वो 1 u u स्क्वायर और u क्यूब आएगा, तो ये एलिमेंट आ गए, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। बाकी आपको आपको इज वेरी इजी, और स्क्वायर है तो ऑब्वियस है u और माइनस u दोनों इसके रूट होंगे, तो इट कंटेन्स टू रूट्स, चार रूट्स नहीं आएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर हम मैथमेटिक्स लगाएं तो इसके रूट, एक तो फोर्थ रूट, एक तो इसका यू होगा फोर्थ रूट ऑफ टू, और माइनस फोर्थ रूट ऑफ टू, और एक बनेगा इसका माइनस फोर्थ रूट ऑफ टू इंटू आयोटा, और साथ में बनेगा फोर्थ रूट ऑफ माइनस आएगा माइनस आयोटा, तो डेफिनेटली इस फील्ड में तो ये दो ही रूट एग्जिस्ट करेंगे, ये वाले नहीं करेंगे, उसके लिए हमें अलग से एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना। आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, सो दिस इज वन मोर एग्जांपल। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इसका रूट आएगा वो क्यू में तो है नहीं, सो एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी क्यू ओवर यू, और ये सेकेंड डिग्री है तो इसके एलिमेंट्स बेसिस में यू और वन और यू आएगा, ठीक, और यू विल बी लाइक दिस, सो इनफैक्ट टू आयोटा होगा, ठीक है, सो और यू और माइनस यू दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, सो क्यू ऑफ टू यू, क्यू ऑफ टू आयोटा कंटेन्स बोथ द रूट्स ऑफ दिस, गॉट इट? सो तो देखो इसकी एक्सटेंशन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, बट हमने स्मॉलेस्ट लेना होता है, दिस इज स्मॉलेस्ट, व्हाट इज स्मॉलेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, अगर हमें स्मॉलेस्ट वर्ड नहीं लिखा हो एक्सटेंशन, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दे, उसमें तो आ ही जाएगा। एंड दिस इज लास्ट एग्जांपल, सो क्वेश्चन इज लेट एफ वन एफ टू एंड सो एफ एन बी द सेट ऑफ पॉलीनोमियल्स ओवर filled f so that there exist an extension e over f in which each polynomial has a root,
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें इरेड्यूसिबिलिटी नहीं दी होती है, पॉलीनोमियल इरेड्यूसिबल है ओवर जेड ओवर एफ, तो हम यहाँ पे कुनेकर थ्योरम लगा देंगे। तो कुनेकर थ्योरम में तो ये होता है कि ओनली नॉन कांस्टेंट पॉलीनोमियल होने चाहिए, तो अगर नॉन कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स होंगे तो वहाँ पे एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी। तो मैं एफ वन के लिए के वन, एफ टू के लिए के टू और एफ एन के लिए के एम मैंने एक्सटेंशन ले ली एफ की। तो के वन कंटेन्स ए रूट ऑफ एफ वन और के टू जो है वो एफ टू का रूट कंटेन करता है, एक एटलीस्ट वन रूट तो कंटेन करता है तभी एक्सटेंशन, एंड के एम कंटेन्स ए रूट ऑफ एफ एम। एंड साथ में हमने ये मान लिया कि के एम इज सबसे बड़ी फील्ड है, जो के वन जो है वो के टू में कंटेन है, के टू के थ्री में, टू के एम माइनस वन जो के एम में कंटेन कर रहा है। सो इट मीन दैट के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ विच कंटेन्स ए रूट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर के एम के अंदर एफ वन का भी एफ टू का भी और के एफ एम का भी रूट प्रेजेंट हो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आई थिंक आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।